मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के महान जनता को मैं सादर नमन करता हूं। आप सबको प्रणाम। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमरजीत भगत जी, यहां के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, यहां के लाड़े विधायक और संसदीय सचिव, मैं समझता हूं 90 विधायकों में सबसे ज्यादा आवेदन इस क्षेत्र विकास के देने वाले भाई इंद्र साहब मंडावी जी, कितना आवेदन देते हैं कि और जो विधायक साथी आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, भैया तुम्हारा आवेदन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खूब आपकी सेवा करते हैं और आपकी मांग के लिए वो लड़ते भी हैं और लड़ते लड़ते जिला भी बना ली है, ये आपके लिए उन्होंने किया है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें भाई इंद्र साहब मंडावी जी, बहन छन्नी चंदू साहू जी, भाई दलेश्वर साहू जी, भाई भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, भाई कुंवर सिंह निषाद जी, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी अफताब जैन जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी, जितेंद्र मुदलियार जी, धनेश पटला जी, तेज कुंवर नेताम जी, नवाज खान जी, विवेक जी, लग्नू जी, दिनेश साहब मंडावी जी, कुमारी भाई जी, श्रीमती विद्या रमेश ताम्रकर जी, सरस्वती ठाकुर जी, नारायण खंडेलवाल जी, अब्दुल खालिक जी, मोती साहू जी, पदम कोठारी जी, पंकज बांधव जी, संजय जैन जी, राजेंद्र जी, और साथ ही हमारे आईजी, कमिश्नर, राजनांदगांव कलेक्टर और नए कलेक्टर, नए एसपी, राजनांदगांव के एसपी और सारे अधिकारीगण, और साथ ही सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण। मैं नीचे भी देख रहा हूं किशन भैया भी बैठे हैं, प्रकाश साथी भी बैठे हैं, इधर में मैं देख रहा हूं सब वरिष्ठ नेताओं को, हमारी बहनों को भी देख रहा हूं, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नए जिले की बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज के दिन छत्तीसगढ़ पर इतिहास अलाली भैया तक आए, ते नांदगांव जिला वाला, ते मोहला मानपुर जिला वाला, यही जिला वाला नांदगांव वाला, छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में एक नवा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला आज होकर कोरा में है। संजय भाई बहुत अच्छा बात कर रहे थे, इसे अब ने सेठे आक्रमण के खेल ज्यादा जानते, वो उपाय की आज 2 तारीख के साल 2022 से 9वां महीना है, 29वां जिला है, सब ल जोड़बे तो अंक 2 आते। अब बोला था हम सोच के नहीं आ रहे ने भाई, लेकिन ये संयोग बहुत अच्छा। ए पौने 4 साल में छत्तीसगढ़ में हम 6 जिला और 85 तहसील के निर्माण करें। आपका तहसील हिंदुस्तान में कोनो प्रदेश में नहीं बने हुए, जिन प्रदेश में बने 85 तहसील। ये इकाई मल्ला छोटे करे कारण हमारे प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटे, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखबे तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर जेन है बिहार से भी बड़े, तमिलनाडु से बड़े, देश के 9वां बड़ा राज्य, 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, 44% जंगल, बसाहट बहुत दूर दूर। ये राजनांदगांव जिला में ये आखिरी छोर के गांव, गांव से राजनांदगांव जाना है 170 किलोमीटर उल यात्रा करे पड़ी, तब कहूं जिला मुख्यालय में पहुंचना है। पहुंचे शाम हो जाई, ऑफिस गिस ऑफिस बंद हो गए तो रात रुके पड़ा थे,
दूसरा दिन ऑफिस में जाई, दिन भर काम कराई तो तीसरा दिन पहुंची। एक प्रकार से किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, जिला के दफ्तर में जाकर अपन काम नहीं करा सका, तहसील में जाकर अपन काम नहीं करा सका। ऋषि वही पाए के 85 तहसील और 6 नया जिला बनाए का मन फैसला करें। अब यहां के जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर आखिरी गांव, 2 घंटे में आ जाए, दिन भर काम करके शाम के लौट जाए। प्रशासनिक इकाई हम छोटे करें ताकि आम जनता है तेकर कर प्रशासन नजदीक पहुंचाए। ये हमारे मन के कोशिश अवमी, ये दिशा में लगातार हमारे मन के काम। और आज 29वां जिला आपके, कल हमन सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला के, ओकर बाद खैरागढ़ जिला के भी शुरुआत करबो। तो लगातार जिला निर्माण के काम हुए थे, आज निर्माण कार्य के बाद हुई 106 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन आज आप मन के हाथ से आप सबके सामने करें। एक विशेष बात कि आज नया कलेक्टर और एसपी कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के भी अनावरण करे के अवसर मिले, एक बार भी आप सब लोग बधाई। लाल श्याम साह जिन आदिवासी मन के नेता, जिन गांधीवादी तरीका से आदिवासी मन के हक और अधिकार के लड़ाई लड़तरी से उकरो मूर्ति में माल्यार्पण करे के वो नमन करे के अवसर मिले, उकर भर में आप सब लोग में धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के जो सपना है वो साकार हमन करा था। बहुत तकन बात आते अकबर भाई भी बात की, रमा जी भी भाई अपन बात करी, दोनों विधायक मन अपन बात रखे। विकास के अपार संभावना छत्तीसगढ़ में, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, एसीएस साहब बैठे, छत्तीसगढ़ राज बने 18 साल हो गई से, 18 साल बाद जब मौका मिले तो वो समय हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी है ताब जैन साहब थे, वित्त विभाग देखा त्रिस, वित्त विभाग देखा त्रिस, मुख्यमंत्री बनना तय हो गए, मीटिंग हुई तो अधिकारी मन पहले तैयारी कर लेते कि भाई कौन कौन घोषणा करे, कहां घोषणा करे, उकर हिसाब से प्रशासन तैयारी करते। साहब अफ्ताब जैन साहब लिस्ट बना के लेस, ये 2 एकड़ के किसान के ऋण माफी करबे तो अबका कनक लागी, 5 एकड़ वाला मन के अबका कन लागी, ये साल वाला मन के अबका लागी, डिफाल्टर मन के अबका लागी, ये सब आंकड़ा अलग अलग निकाल के लाए रही से। मैं कह में ये सब नहीं जाना, पिछले समय जिन बात करी से पटवा जी के रही से, रमन सिंह के रही से किसान के कर्जा माफ, मैं क्या ऐसा कर्जा माफी मैं नहीं कर रहा हूं। सब किसान के कर्जा माफ हो, चाहे 2 एकड़ वाला हो, चाहे 20 एकड़ वाला हो, चाहे 50 एकड़ वाला हो। अभी पैक 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपया हम माफ करें, करेंट अकाउंट की रिश्ते करो और जिन डिफॉल्टर रिश्ते करो, केवल कोऑपरेटिव बैंक नहीं बल्कि जिन कमर्शियल बैंक है वो मन के ऋण माफ हमन करे रहे। 2500 रुपया के बारे में बताई कि कैसे खरीदी हुई, उकरो व्यवस्था हमन करें। बताए का मतलब ये है कि हमारे जन छत्तीसगढ़ में विकास के जन अवधारणा है तेन व्यक्ति लग केंद्र मान के हमन करें। हर व्यक्ति के आय में वृद्धि होना चाहिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के व्यवस्था होना चाहिए, हर व्यक्ति के शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार प्राप्त करे के व्यवस्था होना चाहिए और सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जिए के अधिकार मिलना चाहिए। और ये काम बदस्तूर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बहुत परेशानी है, इस चाहे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगे तब, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मल्ल निराश नहीं करें, वन उपज संग्रहण करने वाला मल्ल निराश नहीं करें,
ये भाई मोहम्मद अकबर जी वन विभाग के मंत्री लॉकडाउन है, तेंदू पत्ता के व्यापारी सब दूसर प्रदेश के यहाँ आ नहीं सका, से तेंदू पत्ता तोड़े के सीजन है, वो समय हम व्यवस्था करें कि पूरा चाहे कोनो परिस्थिति हो तेंदू पत्ता तोड़ना है, तेंदू पत्ता संग्राहक मतलब पैसा देना है और 4000 प्रति मानक बोरा के दर से देना है, और न केवल तेंदू पत्ता खरीदना है बल्कि इमली महुआ जतका भी लघुन उपज है सबके खरीदी हम अलग करना है। और ये बताते हुए खुशी होते कि देश के 74% लघुन उपज केवल छत्तीसगढ़ में, और एक साल नहीं ये 3 साल हो गए लगातार हम खरीदी करा था, और सबसे ज्यादा पैसा हमारे आदिवासी अंचल में वनांचल में सब लोगों के जेब में जात, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे मक्का के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो कोदो कूट के रागी के किसान हो, चाहे लघु अनुपज संग्राहक हो, सबके जेब में पैसा डाले काम हमन करें, ये हमारे उनके नीति कि हर आदमी का आय बढ़ाना है, और जिन भूमिहीन श्रमिक है वो 7000 रुपया सालाना देख हमारा फैसला, गरीब आदमी 35 किलो चावल दे के बाद हर घर में 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे के काम, ये काम हम छत्तीसगढ़ सरकार करे, और ये मैंने रेवड़ी की थे, मतलब जेन मजदूर मेहनत करे थे ओकर अपमान करे थे, जेन लघु अनुपज संग्रहण करे थे ओकर ये मन अपमान करे थे, जेन किसान दिन रात मेहनत करके अपन खून पसीना एक करके अन्न उपजाते देश के जनता के भूख मिटाए के काम करते ओला रेवड़ी बांटे कहा थे वो ओकर अपमान करे काम करा थे। अरे रेवड़ी तो एला यदि रेवड़ी कहा था तो फिर ओला का की वे जिन केवल रेवड़ी भला दिखाए और देश के जनता को ओटला बटोर के ले गए, इस मित्रों विदेश से काला धन लाऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा, तो ये रेवड़ी कते है तेरा बता। तो आज छत्तीसगढ़ में सब किसान अन्नदाता हमारे खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, हमारे वन लघु उनपर संग्राहक में खुशहाल है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम शुरुआत करें ताकि हमारे गरीब घर के लड़का मन किसान के लड़का मन भी अंग्रेजी में पढ़ सके। आज मोहल्ला में बहुत शानदार स्कूल हम कह रहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखे पर सब जगह डिमांड है, 279 स्कूल अभी तक खोल चुके हैं, अगले साल 427 स्कूल हमारे खुल जाए। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 स्कूल हम खोल ताकि हमारे लड़का मन है देश के कोनो भी लड़का मन के साथ पिछड़े मत, ये हमारे मन के प्रयास। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य के शिक्षा के साथ साथ हमारी जन संस्कृति है छत्तीसगढ़ के संस्कृति तेला बढ़ाए के काम हम करें, चाहे हरेली हो, तीजा पोरा हो, चाहे कर्मा जयंती हो, चाहे वो छेरछेरा पुन्नी हो, ये सब लोग छुट्टी देख काम करें, विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देख काम करें, अधिकार संपन्न बनाए काम करें, चाहे वन अधिकार पट्टा दे के बात हो, व्यक्तिगत दावा हो या सामुदायिक दावा हो, और वो पट्टा से अनाज उत्पादन करे तो खरीदे की व्यवस्था हम करें। तो हमारा प्रयास ये है कि सब अधिकार संपन्न हम ज्यादा से ज्यादा लोगों ला बना सकें, ये कोशिश। अभी सिंचाई के बाद हमर भाई इंद्रसा मंडावी करत रही से यहाँ के विकास के बारे में चिंता करत रही से, रमन सिंह 15 साल ले जिला के प्रतिनिधित्व करे हैं, सबसे यदि सिंचाई कम है तो राजनांदगांव जिला में, सबसे ज्यादा अकाल कहूं पड़ा रही तो राजनांदगांव जिला में, ये लोग हमारे दूर करना है, और यदि ये सब इकाई मतलब बनाए बढ़ाए हैं तो कारण यही है कि जितका ज्यादा प्रशासन के निगाह नजदीक से पड़ी तो निश्चित रूप से वो जिन समस्या है तेल निजात मिली। हमारे मन की कोशिश यही लगातार ही है, मैं बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए दोनों विधायक मान बहुत लंबा चौड़ा मांग रखे, दोनों के लिस्ट मोड़कर है, स्कूल के भी मांग है, पुलिया की भी मांग है, जलाशय की भी मांग है,
कल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरा चरण हम शुरुआत करें। पहली चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के सब विधानसभा में गए रहे, एक दिन और रिखता हूं, दो तीन ठक कार्यक्रम करता हूं, समाज के आदमी मन से मिलता हूं, कार्यकर्ता मन से, जनप्रतिनिधि मन से, सबसे भेंट मुलाकात करता हूं और बहुत अकन विकास के काम भी स्वीकृत करता हूं वहां की जनता के और जनप्रतिनिधि मन के मांग से। तभी फिर आऊं मैं मोहला मानपुर चौकी, अंबागढ़ चौकी, आपके जिला में फिर आना है, यह रात रूपो तुम्हारे मौसम भात खाबो जी, वो समय बैठ के बात करबो और वो समय विकास के काम स्वीकृत करबो। अच्छा यू मन देखा थे दलेश्वर हु कहा थे हमरो मन पर बचा कर आखिर भैया कहा तो चौमुखी विकास भी करना है, पैसा के कोई कमी नहीं आंदन। आज स्कूल मन के डिमांड बहुत है, दोनों विभाग मांग करें 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें, जिन स्कूल जीर्णोद्धार करना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, खेल ग्राउंड बनाना है, हर गांव में खेल ग्राउंड हो, जैसे गौठान सब गांव बनाए वैसे खेल ग्राउंड भी सब गांव में बने, ओकर पर जमीन आरक्षित करवो और विकसित करवो। ये प्रकार के काम गौठान के माध्यम से आय वृद्धि, ये मन गाय के बड़ा पूजा करते, भारतीय जनता पार्टी वाला मन खूब पूजा कर रहे थे लेकिन गोबर से घृणा करते, गायक नाम से वोट मांग ली, गायक सेवा नहीं करे और गोबर से घृणा करते। जेल हमन बहुत पवित्र मानथन, घर लिपे काम करथन, चूल्हा लिपे काम करथन, यदि चौक पूरना है तो पहले गोबर से लिप लेथन तब चौक पूरथन, और ये मन घृणा करते। लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति बहुत ऊंचा, सब छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बढ़े, अभी अमित शाह जी आ रही से तेनों बैला के पूजा करी से पूरा दिन, ये छत्तीसगढ़िया मन के जीत। और अभी सुना था मोहन भागवत आधे तीन दिन तक कार्यशाला करा थे, बढ़िया होकर में स्वागत थे छत्तीसगढ़ के धरा में, लेकिन उमन फरा और चिला खाही, उकर मिनुम देखते रहे कि चिला फरा काहे, अतेक दिन लेकर नहीं कहा छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल को मन मान नहीं देते रही से, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मान नहीं देते रही से, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल तक अब मोहन भागवत आते तेनुल परोसे जाए, नड्डल तेनुल परोसे जाए, तो ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़िया खान पान ला सम्मान मिला थे, स्वीकार करे 15 साल ले तो नहीं कर सके, लेकिन अब करे तेकर बत्तु मल मैं धन्यवाद देता हूं, शुरू करे कम से कम। रमन सिंह कभी तीजा पर बधाई दे रही थी, कब पूरा पर बधाई दे रही, कब कमर छठ पर बधाई दे रही थी, लेकिन अब रमन सिंह के ट्विटर में हूं वो सब चीज मनावा था। ये छत्तीसगढ़िया मन ओकर पर बड़े आंदोलन करे की जरूरत नहीं है, आज पूरा त्योहार गांव गांव मनाथ, हरेली मनाथ, तो आज छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान भी बड़ा थे, लेकिन आलोचना करे पर कम नहीं करे थे, उकर आलोचना रहन दे, लेकिन जतका कन काम करत हन तेला स्वीकार करत है, उकर भर में धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में बात कहना चाहता हूं, अब आया हूं तो मोहला भर, मानपुर भर और चौकी भर 3-3 करोड़ रुपया विकास कार्य भर घोषित में करत हूं, और अबके भर तक नहीं रुका है ना, मैं आऊं तन फेर दू, जब भेंट मुलाकात में आऊं समझेगा इंद्र साहब, तो फिर तो मतलब दू ये बात की विश्वास दिलाता हूं, विकास काम पर कोई कमी नहीं आंदन। आज हमारे छत्तीसगढ़ में एकर सरकार में 15 लाख किसान धान बेचतरी से, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ 26 लाख किसान ले थे, किसान मन के संख्या 11 लाख बढ़ गए, जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गए, धान 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदती से आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गए, ये साल तो खूब पानी गिरे है, फसल भी बहुत अच्छा है, 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन ये साल धान खरीदो हमारा, और ये मन अड़ंगा लगा थे तो हमारे किसान ला हमन ज्यादा देख काम करें, ये साल बोनस मिले, 2 किस्त मिल गए, 2 किस्त आना है 2540 रुपए पड़ी, और ये साल जिन धान बोए हो जल बेचू
100 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े तो 2640 रुपया पड़ी, और अगले साल चुनाव बचार में कहूं 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गए तो समझ लो कीमत 2800 को तिल जाए। तो अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर के सबो साथी मन दूर दूर से आए, और आज तो मोहला के बस्ती, यहाँ के सड़क, यहाँ के छत, यहाँ के दुकान, यहाँ के घर, ऐसे कोई जगह नहीं बांचे जिस दिन आदमी नहीं पटाए रही सुई। अतेक उत्साह, अभूतपूर्व उत्साह आज मोहला में देखे मिले रही, पूरा जनता उमड़ पड़े रही से। और बार में पुनः यहाँ के सबो जागरूक जनता ले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला बनाया से अतेक अपार खुशी, उमन जाना तो मतलब तकलीफ कतका होती से राजनांदगांव जाए में, अब वो दूरी कम हो गई, प्रशासन और आम जनता के बीच दूरी कम हो, ये बात के खुशी। और सरकार के जो निर्णय है तेला हाथों हाथ ले, चिचलाती धूप में भी हजारों के संख्या में सियान मन, जवान मन, नूनी बाबू मन, बहनी मन, मातारी मन खूब उपस्थित हो, सियान मन खूब आशीर्वाद दे, खूब समर्थन करे है। तो मैं खूब बधाई शुभकामना आपके नवा जिला पर बधाई देता हूँ भाई इंद्र साहब मंडावी लन्नी साहू ल, खूब बधाई नवा जिला के। और एक साथ में अपन बात मैं समाप्त कराता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंद्र साहब मंडावी जी से, हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर के विदा करेंगे। अच्छा एक और थोड़ा सा, ये नए कलेक्टर है भाई जयवर्धन जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और एसपी साहब अक्षय कुमार, बिल्कुल दोनों नए हैं और दोनों जवान हैं और नया जिला है, और पूरा मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, खूब आखिरी छोर तक पहुंचेंगे, आम जनता की सेवा करेंगे, यही मेरी तरफ से शुभकामना भी है और निर्देश भी है, धन्यवाद। आदरणीय मंडावी जी हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देंगे, साथ ही प्रभारी मंत्री अमर जी भगत जी को कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा स्मृति चिन्ह, मोहम्मद अकबर जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन आपको कलेक्टर मोहला मानपुर चौकी द्वारा स्मृति चिन्ह, इसी प्रकार से कुंवर सिंह निशान